स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2019 के 17वें मैच की, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है वो आमने सामने होने वाली है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम यानी बेंगलुरु में ये मैच होगा। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, बात करें अगर दोनों ही टीम की, तो केकेआर ने अभी तक अपने 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में ये टीम 4थे नंबर पर है। वहीं बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो अपने 4 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम हारी है और पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर है। इकलौती टीम जिसे अभी तक एक भी जीत जो है वो हासिल नहीं हुई। ऐसे में ये मुकाबला जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए डू और डाई का होने वाला है। और अगर ये मुकाबला आरसीबी की टीम हारती है तो यहां पर आईपीएल 2019 से लगभग जो है वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों दोनों ही टीम के हेड टू हेड की, तो 23 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीते हैं 9 मुकाबले और केकेआर ने जीते हैं यहां पर 13 मुकाबले। तो हेड टू हेड में केकेआर की टीम आगे है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें लास्ट 4 मैचेस की, तो यहां पर केकेआर की टीम पूरी तरीके से हावी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर, और चारों के चारों मुकाबले जो है वो केकेआर ने जीते हैं। यानी 4 मैच जो लास्ट हुए हैं उनमें से एक भी मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जीत हासिल नहीं हुई है। तो ये यहां पर काफी बड़ी बात है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। अब दोस्तों अगर बात करें दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो यहां पर एक चेंज जो कंफर्म हमें देखने को मिलने वाला है वो है दोस्तों निखिल नायक, या तो कार्लोस ब्रैथवेट या फिर सुनील नारायण, इनमें से कोई एक जो है वो हमें इस मैच में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर सुनील नारायण फिट होंगे तो सुनील नारायण, नहीं तो यहां पर कार्लोस ब्रैथवेट। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो नीतीश राणा और क्रिस लीन हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे। वन डाउन पर रॉबिन उथप्पा होंगे, इनके बाद दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल और आंद्रे रसल। बात करें नंबर 7 की, तो यहां पर कार्लोस ब्रैथवेट हमें दिख सकते हैं, और अगर सुनील नारायण फिट हुए तो वो यहां पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उनके बाद बॉलर्स की अगर बात करें तो पीयूष चावला, कुलदीप यादव, लोकी फर्गसन और प्रसिद्ध कृष्णा। कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स की हो सकती है, जहां पर सिर्फ एक चेंज जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो यहां पर लगातार 4 मुकाबले आरसीबी की टीम हारकर आई है, और ऐसे में इस मुकाबले में प्रोबेबली 4 चेंज जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो पार्थिव पटेल और मार्कस स्टोइनिस जो है वो हमें ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वन डाउन पर विराट कोहली और 4थे नंबर पर एबी डिविलियर्स। इनके बाद 5वें नंबर पर हेटमायर या फिर मोइन अली, इनमें से किन्हीं एक को मौका मिल सकता है। 6थे नंबर पर शिवम दुबे और 7वें नंबर की अगर बात करें तो पवन नेगी या फिर वॉशिंगटन सुंदर, इनमें से किन्हीं एक को मौका मिल सकता है। नंबर 8 पर यहां पर दोस्तों नेथन कुल्टर नायल खेलते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। नंबर 9 पर चहल, नंबर 10 पर यहां पर मोहम्मद सिराज, और नंबर 11 की अगर बात करें तो उमेश यादव या फिर नवदीप सैनी, इनमें से किन्हीं एक को जो है वो मौका मिल सकता है। तो कुछ ऐसी प्लेइंग 11 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हो सकती है इस मैच में, जहां पर हमें 4 बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बात करें दोनों ही टीम के की प्लेयर्स की, तो एक तरफ जहां पर विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, स्टोइनिस, चहल और मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर हैं, वहीं बात करें दूसरी टीम की केकेआर की, तो यहां पर आंद्रे रसल, क्रिस लीन, नीतीश राणा, कुलदीप यादव और दिनेश कार्तिक जैसे प्लेयर हैं। तो दोनों ही टीम के पास अच्छे खासे की प्लेयर हैं, और इन की प्लेयर्स का यूज कर आप अपनी फेवरेट टीम हाला प्ले में बना सकते हैं। और यहां पर दोस्तों आपको ज्वाइनिंग के ₹50 का जो बोनस मिलेगा, उससे कोई सी भी ग्रैंड लीग जो है वो बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक भी रुपए ऐड नहीं करने, और अगर आपकी टीम जाती है अच्छी, तो यहां पर आपकी अर्निंग जो है वो अच्छी खासी हो सकती है। और अब दोस्तों एंड में बात करें यहां पर प्रेडिक्शन की, तो अगर हम यहां पर रिकॉर्ड्स को देखें तो केकेआर की जो टीम है वो फेवरेट लग रही है, जहां पर पिछले 4 मुकाबले लगातार जीतते हुए आई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। लेकिन यहां पर इस मैच में मैं सपोर्ट करूंगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, और चाहूंगा कि एक जीत यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मिले आईपीएल 2019 की। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।